हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस कैसे हो आप सब, कमेंट करके बताना। हम सब अच्छे हैं। और व्यू इधर डांस भी करना स्टार्ट कर दिया व्यू ने। करियो डांस, डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग 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 डिंग। तो गाइस आज कोई ब्लॉग नहीं होने वाला, पूरा दिन का रूटीन नहीं होगा। आज होगा Q&A ब्लॉग, क्योंकि कल मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि आपके जो क्वेश्चन हो आप करो, मैं उनका रिप्लाई करूंगी ब्लॉग में। ये सब पहुंचा। आज मैंने व्यू के पापा का फ़ोन मांगा क्योंकि मुझे इसमें क्वेश्चंस देखने थे, आपको रिप्लाई करना था, क्योंकि इस फोन में तो मेरे वाले में वीडियो बन रही है। ये बना नहीं दे मुझे, पर हे भगवान। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने सोचा कल ही बना दूंगी और आज डाल दूंगी। व्यू चुप हो जा बेटा प्लीज, मम्मी बुला रही, चुप कर लिया। पर कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो मैं ना जल्दी लेट गई थी, मन नहीं था मेरा। तो बस मैंने फिर अब सुबह मेरा आराम हो गया, काम वाम निपटा के नहावा के अब मैं आ गई। मैंने सोचा कि चलो अभी बना दूँ ब्लॉग, अभी देखूंगी, अगर आज डाल पाई आज डाल दूंगी, नहीं तो कल डाल दूंगी। तो चलो गाइज, मैंने वे सारे क्वेश्चन लिए जो कॉमन है, जो मतलब सबने एक जैसे सही पूछ रखे, और अगर किसी का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारे भी हमारे बहुत सारे। हाँ बताओ, अभी मैं व्यू को छोड़ के आ गई उधर मम्मी के पास, क्योंकि यहाँ रहकर ना तो वो मुझे ब्लॉग बनाने देता ना कुछ करने देता, तो वहीं छोड़ आई। तो चलो गाइस, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निशी 3895, प्लीज जी बताना जरूर कहाँ रहते हो आप प्लीज। तो हम मैंने बहुत बार बता रखा ब्लॉग में भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि हम यहाँ पे यूपी बागपत में हमारा गांव है रंबाला, हम यहाँ रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राफ्टिंग का खर्चा, सागर है कोई, उन्होंने पूछा है कि राफ्टिंग का खर्चा कितना आया था। तो शायद हमने बताया भी था वीडियो में, आपने शायद या तो ध्यान से सुना नहीं होगा या जो भी है, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता दूँ। राफ्टिंग का खर्चा था हमारा पर पर्सन 500 रुपये, 500 रुपये पर पर्सन थे, हम 9 थे तो 9 पर 4500 रुपये दिए थे हमने उनको। और उन्होंने हमें जो वीडियो बनाई थी हमारी फुल उसमें गोप्रो में, वो हमें दी थी उन्होंने 1000 रुपये में। पहले वो बोल रहे थे कि 2000, फिर उनसे बातचीत करी हमने तो फिर उन्होंने 1000 में हम सबको दे दी थी वो वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फी क्वीन 822 का, दी आप ग्वालियर कब आओगी। मुझे भी नहीं पता जी, हम ग्वालियर कहाँ जाएँ, कब आएंगे कब नहीं, ये तो प्लान हमारा एकदम से बन गया ऋषिकेश जाने का, नहीं तो कोई प्लान ही नहीं था, बस फिर एकदम से ही प्लान हो गया हमारा कि हाँ चलो चल रहे हैं। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन है दी अंकुर अर्पित सिंह सेंगर सिंगर, आप कौन सी क्लास में पढ़ रही है अभी। तो गाइज मैं अभी बीएड सेकंड ईयर में हूँ, बीएड सेकंड ईयर, क्या अभी 2-4 दिन में मेरे एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरी बीएड हो जाएगी अब। हाँ गाइज, एक क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा बार पूछा गया कि आप शॉर्ट्स क्यों नहीं पहनती। इट्स राधिका 792, दी आप शॉर्ट्स क्यों नहीं पहनती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है एक तो सबसे पहली बात, दूसरा हमारा गाँव का माहौल है तो इसलिए ये सब चीज़ हमें अलाउ नहीं करते, ना तो घर के ही अलाउ करते और ना मैं खुद पहनती, क्योंकि मुझे खुद मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि शुरू से ही गांव में ही मेरा मायका था, गांव में ही मेरा ससुराल है, तो ये हो कि भाई शहर में रहे तो मैं तो शॉर्ट्स पहन भी ले, अब जैसे सब पहन रहे शहर में तो गाँव में कम ही पहने इन चीज़ों को, तो मैं शुरू से ही सूट वगैरह कुर्ती वगैरह यही पहनती आई। हाँ जब छोटी थी मतलब शादी से पहले जीन्स भी पहनती थी, लेकिन शादी के बाद तो जीन्स भी नहीं पहनती, बस वैसे ही कभी शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हम दोनों साथ में घूमने गए, नहीं तो हर बार या तो मम्मी जावे साथ में या भाई जावे साथ में, तो तब भी जीन्स नहीं पहनती मैं, शर्म सी आवे मुझे, तो इसलिए मैं शॉर्ट्स नहीं पहनती क्योंकि मुझे पसंद नहीं, और दूसरा हमारा माहौल ऐसा ही है। एक और क्वेश्चन गाइस बहुत बार पूछा गया, रीता पांचाल 10, क्या आपका, क्या आपके देवर की शादी है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है अभी नहीं है, जब होगी तब आपको पता लग जाएगा, तो अभी तो नहीं है, जब होगी तब आपको बताएंगे, क्योंकि व्लॉग तो हमारे डेली का काम है व्लॉग बनाने का, और सबसे मेन तो यही होता है शादी वगैरह बच्चे वगैरह की वीडियो ही ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग, तो ये तो हमारे पास एक कंटेंट हो जाएगा शादी का, तो जब होगी तब आपको बता देंगे, अभी तो नहीं है। एक क्वेश्चन था जाट का इक्का का, आपने हेयर एक्सटेंशन करा रखा है क्या। तो मैंने हेयर एक्सटेंशन नहीं किया है, नहीं करा रखे, मेरे नेचुरली हेयर ऐसे है, बस मैंने स्मूथनिंग और केराटिन कराई थी, उसके बाद अभी आगे के तो बाल ऐसे ही हो गए जैसे थे पहले, पीछे के अभी ठीक से है कुछ। एक क्वेश्चन था आई एम अभी लासा का, आपको ऋषिकेश आके कैसा लगा, आई एम फ्रॉम ऋषिकेश। तो कैसा, मैं ऋषिकेश जाके बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर घूमने की जगह थी, कुछ भी मतलब
एक्टिविटी करने की जगह थी, बहुत कुछ था वहाँ पे, तो बहुत मजा आया हमारा, बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन है क्वीन शर्मा 00 दी, आप इतने सिंपल में इतने क्यूट लगती हो और आप इंस्टा के अलावा भी कोई काम करती हो, और सेकंड बेबी प्लान कब करोगे? एक ही में तीन क्वेश्चन कर दिए उन्होंने, तीन नहीं एक तो कॉम्प्लीमेंट है, दो क्वेश्चन करे, सिंपल में भी इतनी क्यूट लगती हो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है कि आप इंस्टा के अलावा भी कोई काम करती हो? इंस्टा के अलावा मैं यूट्यूब का काम करती हूँ, और एक दो काम और है जो मैं करती हूँ वो मैं नहीं बता सकती। एंड सेकंड मैं पढ़ाई करती हूँ, घर का काम करती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ, बस ये सब काम है, बहुत सारे काम है मेरे पास। और सेकंड बेबी प्लान कब करोगे, ये भी बहुत बार पूछा गया, बहुत 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 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो सेकंड बेबी का भी कोई प्लान नहीं है, अभी कोई प्लान नहीं है सेकंड बेबी का। एक क्वेश्चन है आई एम आकाश कश्यप का, पी के भाई की हाइट क्या है? तो गाइज उनकी हाइट है 5'7" या 8" के बीच में, 5'7" और 8" के बीच में उनकी हाइट है, ज़्यादा लंबे नहीं है, हम दोनों एक सेम सेम से ही लगे हैं, मैं उनसे 1 इंच छोटी हूँ बस। एक क्वेश्चन है ब्लैक लाइफ 3 का, आप शॉर्ट्स क्यों नहीं पहनती होती बाहर जाके? गाइज जब अभी हम ऋषिकेश जा रहे थे तो मैं वहाँ पे अपने सूट वगैरह सब चीज़ें लेके गई थी, और मैं सूट ही पहने वहाँ जाके, और मतलब इतने सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मतलब यूट्यूब पे भी आ रहे थे 2-4 और इंस्टाग्राम पे भी, कि आप शॉर्ट्स क्यों नहीं पहन रहे यहाँ पे, बाहर आके कुछ अलग ट्राई करो, कुछ अलग पहनो। तो एक तो सबसे मेन चीज़ ये थी कि हमें एकदम से बाहर, हमारा प्लान बना 5 बजे हमारा प्लान बना और रात के 12 बजे हम निकल गए, तो जीन्स वगैरह मेरे पास थी नहीं, जीन्स तो मैं पहन भी सकती हूँ बाहर जाके, घर में नहीं, जीन्स पहन के ऊपर टॉप पहन लिया तो वो तो मैं पहन सकूँ, लेकिन एकदम से प्लान बना मेरे पास थी भी नहीं जीन्स, तो मैं लेके नहीं गई, तो वहाँ पर मैंने सूट ही पहन लिए। और दूसरी बात बस यही बात है, और कुछ है नहीं गाइस, यही था कि मेरे पास एक तो थे नहीं। एक क्वेश्चन है लाइफ जाट 10 आपको डॉग्स पसंद है क्या? हाँ जी डॉग्स मुझे पसंद है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी लगे उनसे, पसंद तो है ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो वो अल्फा था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, उसकी अब तक भी मुझे याद आवे, जब याद आवे तो आंखों में पानी आ जा, पर वो तो अलग ही चीज़ थी, पर क्या करें कुछ नहीं कर सकते, वो हाथ में नहीं था। एक क्वेश्चन है निशु पवार 5/5 का, दी अब आप अपने देवर की शादी करवा दो, अब जेठानी बन जाओ। हाँ जी बिल्कुल कराएंगे जल्दी, वेरी नाइस, वेरी सून। एक क्वेश्चन है ऑफिशियल जानवी सचदेवा, आप प्रेग्नेंट हो? क्वेश्चन मार्क, नो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। राघव 5542 24 आवर चैलेंज इन कैंप विद पीके भैया, ओके ट्राई करेंगे गाइस कैंप में रुकने का दोनों एक साथ, और गाइस मैं सोच रही हूँ प्रैंक करने का इनके साथ, क्योंकि अभी घर में मिस्त्री लग रही है तो मैं ज़्यादा लोग नहीं बना सकती वहाँ पे, उधर तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे मुझे घूंघट करना पड़े, तो मैं अब सोच ही रही हूँ कि चैलेंज या प्रैंक कुछ ऐसा करूँ इनके साथ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दियो कि इनके साथ क्या चैलेंज करूँ या प्रैंक करूँ। और नीलम चौधरी का क्वेश्चन है आप दोनों की लव मैरिज है? हाँ जी हमारी लव मैरिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूब पेमेंट आ गई? यूट्यूब पेमेंट अभी तक नहीं आई मेरी, 1 साल से ऊपर हो गया मुझे काम करते हुए, अभी शायद अब की बार आ जाए तो मैं उसका व्लॉग बनाऊंगी प्रॉपर, अब सबको पता लग जाएगा कि मेरी पेमेंट आई नहीं आई, क्योंकि थोड़ा इश्यू सा हो रहा था, मैं अब तक मेरी पेमेंट नहीं आई, आप ये मैं सोचना गाइस कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सच्चाई बात अब तक नहीं आई, इंस्टाग्राम से तो आ जाते हैं मेरे, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन है अजीत पहलवान 001, हाँ जी मोनेटाइज हो चुका है मेरा चैनल। एक क्वेश्चन है पूजा राणा 660 का, आपकी फिटनेस का क्या सीक्रेट है? आपकी फिटनेस का क्या सीक्रेट है दीदी? गाइज मैं आपको किधर से फिट भी लगूँ, इतनी पतली सी मुझे खुद शर्म आवे, इतनी पतली हो रही मैं, मोटा होना चाहूँ थोड़ा सा हेल्दी सा होना चाहूँ पर हो नहीं जाता, तो इसका कोई राज नहीं है, बस भूखे रहो। एक क्वेश्चन है पल्लवी 124 का, बेबी के बाद आपने वेट लूज़ कैसे किया, प्लीज़ रिप्लाई दी। तो गाइज बेबी होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, उसके बाद थोड़ा टाइम ऐसे ही चलता रहा ऐसे ही चलता रहा, फिर मैंने थोड़े दिन रस्सी कूदी, थोड़े दिन ही कूदी और ऐसे ही 10-15 दिन कूदी होगी, और खाना कम कर दिया बस, और कुछ नहीं करा मैंने, कभी कभी हो कभी कल होती सुबह का टाइम उठ के पर ज़्यादा दिन मेरे से हो नहीं पाया वो, पर फिर मैं अपने आप ही पतली होती चली गई। एक क्वेश्चन है गाइज आई एम गौरव गुज्जर का, पी के भाई की कोई जीएफ थी शादी से पहले?
अगर वे मेरे पास यहाँ बैठे होते तो मैं अभी उनसे पूछती, लेकिन वे बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं सोच तो रही थी कि एक दो क्वेश्चन जो उनसे रिलेटेड है तो उन्हीं से ही उनका जवाब लूँ, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि घर में मिस्त्री लग रहे, ऊपर से उनका ब्लॉक का काम है, पूरे दिन वैसे ही बाहर रहे तो अब तो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। तो चलो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं ही कर दूँ, उनकी कोई जी अपनी थी पहले, बस मैं ही थी, हमेशा ही शादी होगी। एक क्वेश्चन है सानिया 14420 का, दी आपने स्मूथनिंग कराई थी उसका कितना खर्चा आया था? तो मैंने कैरेटीन प्लस स्मूथनिंग दोनों कराए थे और दोनों का कुल मिला के विद शैम्पू कंडीशनर 8000 में मुझे पड़ गया था, और बस अब तक चल रहा जाता तो खास फर्क नहीं पड़ा। आगे के तो सारे बाल ऐसे ही हो गए पर पीछे के मेरे जैसे थे ऐसे ही है। एक क्वेश्चन है गाइस कार्तिक 22 का, आप 24 आवर इन्वर्टर चैलेंज करो। गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम वहाँ पे जा रहे थे ना पूल में, तो मैं ऊपर से जैसे कूदिया, मैंने ब्लॉग में भी बताया, मैं ऊपर से जैसे कूदी ना, मतलब जैसे कूदा कराया सभी, तो मैं कूदते ही डूब गई स्विमिंग पूल में, वो इतना सा था उसमें, कूदते ही मैं डूब गया। अगर मुझे एक मिनट ये ना बचाते ना मैं तो गई थी, मेरी नाक में मुँह में पानी भर गया था। तो 24 आवर मेरे पे तो रह नहीं जानेगा वाटर में, रह तो सकूँ पर हमारे यहाँ है नहीं कुछ ऐसा जो मैं रह सकूँ, मतलब देखते हैं, पर फिर भी मैं बात करूँगी इनसे। गाइस ये सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया, और जिसका क्वेश्चन रह गया हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मतलब जो भी कॉमन था जो मुझे लगा कि हाँ आप लोग को ये चीज़ें बता देनी चाहिए मुझे, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और बस ये सब था कुछ। आपने ज़्यादा इंटरेस्टिंग से तो क्वेश्चन ही नहीं करे जो मैं उनका आंसर करती, वही कॉमन से क्वेश्चन थे कि आप क्या कर रहे हो ये वो। तो मैं सोचूँ गाइस कोई प्रैंक करूँ उनके साथ, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ऐसा प्रैंक बताओ कि मैं इनके साथ कर सकूँ आराम से, इन्हें पता भी ना लगे, प्लीज़ गाइस बता देना, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।